फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल मी विद मॉम्स विजन, जहां हम बातें करते हैं बच्चों से रिलेटेड डीआईवाई, पेंटिंग, ड्राइंग्स की। बट आज हम बात करेंगे उनके फेवरेट ड्रिंक की। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसा ड्रिंक जिसे बच्चे क्या बड़े भी पसंद करते हैं। तो आज हम बनाएंगे मैंगो जूस, जिसे फ्रूटी भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाइए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है दो पके हुए आम, एक कच्चा आम, अराउंड 3/4 कप शुगर और 1 लीटर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। तो सबसे पहले हम इसे कट करेंगे छोटे छोटे पीसों में और मिक्सर जार में डालकर इसका एक प्यूरी बनाएंगे। मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, अब मैं इसका प्यूरी बनाऊंगी। मैंने इसका प्यूरी बना लिया है। हम पैन को गरम करेंगे। अब मैंने जो प्यूरी बनाया था उसे हम इस पे ट्रांसफर कर देंगे। इस स्टेज पे हम डालेंगे अराउंड 3/4 कप शुगर। डिपेंड करता है कि आपका आम कितना खट्टा है। अगर आपका आम ज्यादा खट्टा है तो इसमें ज्यादा चीनी लगेगा और अगर ये कम खट्टा है तो इसमें कम चीनी लगेगा। तो मैं अभी इतना डाल रही हूँ। अब लगभग 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही चलाते हुए उबालेंगे। अराउंड 5 मिनट तक ये ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे रख देंगे इसे हम। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट्स हो चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो रहा है और आप देखेंगे इसके साइड्स में भी ना चिपकने से लगे हैं। अब हम इसे बंद कर देंगे। हाँ, एक जरूरी टिप्स, अगर आप इसे महीने भर तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें आप विनेगर डाल दीजिए, 1 चम्मच व्हाइट विनेगर जो हम चाइनीज फूड में डालते हैं, या फिर नींबू का जूस डाल दीजिए। अदरवाइज ये ऐसे भी हफ्ते भर फ्रिज में रखेंगे तो हफ्ते भर खराब नहीं होंगे। मैं इसमें जब मैं बनाती हूँ तो मैं इसमें कुछ नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में ये 2 दिन से ज्यादा बचते ही नहीं है। हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको इसके ठंडा होने के बाद। अब ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, अब हम इसे छान लेंगे जिससे कि आम में जो रेसे होते हैं ना वो निकल जाएंगे, तभी तो बनेगी हमारी मार्केट जैसी फ्रूटी। तो हम इसे छान लेंगे। तो अब हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। इसे आप अपने अकॉर्डिंग पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 कप के करीब पानी ऐड किया है। अब हम करेंगे इसे सर्व। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी इसे कमेंट करके बताइएगा। तो आ रहा है ना मुंह में पानी, जल्दी से जाइए इसे बनाइए और अपने बच्चों और फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।